आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी पनीर टिक्का की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा इस पनीर टिक्का में आपको, और बिना ओवन और बिना तंदूर के मैं आज बनाने वाली हूँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक लिया है मैंने, गरम मसाला लिया है, काला नमक लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, चाट मसाला लिया है, और ज़ीरा पाउडर लिया है, और किचन किंग मसाला लिया है। इन सबको ऐड कर देंगे बाउल के अंदर। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम ये एक चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और बस इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तेल के अंदर। तो बस ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम दही। ये मैंने हैंकर दही ली है, बिल्कुल टाइट दही लेनी है हमें। एक चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और मैंने हाथ से क्रश कर लिया है इसे और जब ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम दो चम्मच भुना हुआ बेसन। मैंने बेसन को थोड़ा सा भून लिया है, उसके बाद दो चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी पनीर में। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। रेस्टोरेंट वगैरह में कलर ऐड किया जाता है। अभी मैंने पनीर ले लिया है, 400 ग्राम पनीर लिया है, और इसे इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ में काट लिया है। थोड़ा बड़ा ही साइज़ काटेंगे, अगर ज़्यादा बारीक काट लेंगे हम तो इसका चूरा बन जाएगा पनीर का, इसलिए थोड़े मोटे मोटे पीसीज भी हमें काटने हैं इस तरीके से। तो बस इसे ऐड कर देते हैं इसमें। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। इसको बड़े बड़े पीसेज में इस तरीके से काट लिया है, देखिए। तो बस अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले में, अच्छे से कोट कर देंगे पनीर को। बिल्कुल अच्छे से ये पनीर कोट हो जाएगा, हमें बिल्कुल अच्छे से इसे कोट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है। अब इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर 1 घंटे बाद हम इसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने सीख ली है, आपके पास जिस तरीके से की भी सीख है आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। आप बिना सीख के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन बस जो पैन है वो नॉनस्टिक ही होना चाहिए, वरना इसका मसाला तवे पर चिपक जाएगा। तो बस तरीके से देखिए, एक के लिए हम पनीर का पीस डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च और टमाटर डालने के बाद फिर पनीर का पीस डालेंगे। इस तरीके से ही हमें सारे बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इसे अच्छे से मसाले से और कोट कर देंगे। तो ये रेडी है, इसी तरीके से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बस एक तरफ मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए ये रेडी है, तो इसे हम रख देते हैं पैन के ऊपर। अब बस इस तरीके से हम सारे पीसेस बनाकर इसमें रख देंगे। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, और बस इसे पकने देंगे जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा, जब हमें इसके साइड को चेंज कर देना है। तो देखिए बस 2 मिनट तक एक साइड से सेकेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, और चारों तरफ से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए एक तरफ से ये रेडी हो चुका है, फिर साइड चेंज कर देते हैं इसकी, और थोड़ा सा बटर लेकर हम इसको थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर देंगे इस पर, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है पनीर में। और बस ये रेडी हो चुका है, तो बस अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त पनीर टिक्का बनकर रेडी हुआ है, और बिना ओवन के। आप चाहे तो आप इसमें कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत मज़े का बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी पनीर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।